अकले बशर न समझे भी रुतबा हुसैन का, पूरा मजमा इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अकले बशर न समझे भी रुतबा हुसैन का, अकले बशर न समझे भी रुतबा हुसैन का, अकले बशर न समझे भी चा हुसैन का, कौनो मकाम हो तरज चा हुसैन कपी। नारे रिसालत, नारे औसियत, जश्ने शहीद आजम मसलक आला हजरत शायर इस्लाम सज्जाद निजामी सुभान अल्लाह। कौनो मकाम हो तरज चा हुसैन का। ये शेर भी देखें, बहुत ही खूबसूरत शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे आपसे एक ही शिकायत है अभी तक जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए ये जो नारे लगा रहे हैं मौलाना नाजिर साहब, ये हमारे ही खानदान के आदमी हैं। मजा तो जब है जब मजमे में से आशिक इमाम हुसैन खड़े हो करके नारा लगाए ताकि जलसे में बेदारी पैदा हो। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शेर खत्म होगा तो देखता हूँ कितने इमाम हुसैन के दीवाने खड़े होकर के नारा लगाते हैं। और ये वाला महिला तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही खामोश है, ये लोग समझ रहे हैं कि शायद हम तो आड़ में बैठे तो हमारा काम चल रहा है। मेरी नजर से छुप सकते हैं लेकिन इमाम हुसैन की नजर से नहीं छुप सकते, वो जलसे को जरूर देख रहे हैं। और अगर आज आपको हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोलते हुए इमाम हुसैन ने देख लिया तो कल कयामत में अपने नाना जान से हमारी शफात दिखा लेंगे। मैं शेर पेश कराऊं, आपको सुभान अल्लाह बोलने न बोलने मेरी कामयाबी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सुभान अल्लाह बोलेंगे आपको 90 नेकियां मिलेंगी, जब यहाँ से उठ करके जाएं तो इतनी नेकियां जमा हो जाए ताकि कल कयामत से ही हमारे काम आए। मैं शेर पेश कराऊं, समाप्त फरमाएं के अल्लाह हर मकाम ये रुतबा हुसैन का, अल्लाह हर मकाम ये रुतबा हुसैन का, के अल्लाह हर मकाम ये सर कट गया था फिर भी था ऊंचा हुसैन का, सर कट गया था कि सर कट गया था फिर भी था ऊंचा हुसैन का। और इन्होंने नारा लगाया अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदके में करोड़पति बना दे। अब जोर से आप बोले यार, आपके महल्ले में करोड़पति हो जाएगा, आपका भी नाम है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए और पूरी कमेटी की जानिब से शेर पढ़ रहा हूँ। मुबारक हो जलसा कामयाब हो गया, आपने जलसा किया इसके बदले में मिलेगा क्या, समाप्त फरमाए कि कल उसको ना जान से वो बख्शवाएंगे, कल उसको ना जान से वो बख्शवाएंगे, कल उसको न जान से कल उसको न जान से
جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین جس امام حسین نے ہماری خاطر اپنے سر کو کٹا دیا، پورے خاندان کو لٹا دیا، آپ لوگ کتنی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ سبحان اللہ بول کر کے سارا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میں شعر پیش کراؤں، سماعت فرمائیں کہ کربلا کے تپتے ہوئے گزار پر، کربلا کے تپتے ہوئے گزار پر، کربلا کے تپتے امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا، امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا، امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، ہے کوئی ان کا جوڑ لگانے والا اس محلے سے؟ شیر پر آپ سماعت فرمائے، ہو سکے تو جوڑ لگا دیجئے گا۔ کہ غیروں سے مانگنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں، غیروں سے مانگنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں، غیروں سے مانگنے کی سہارا حسین کا، لوگ ہمیں کافی سہارا حسین کا، لوگ ہمیں کافی سہارا۔